गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। गाइस, आज हम बनाएंगे राजमा का सब्जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका रेसिपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमने यहाँ पे लिया है 4 प्याज, जिसको ऐसे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे कर लेते हैं फ्राई। तो हमने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच लिया है सरसों का तेल, जिसमें हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। और हम राजमा उबालने का आपको वीडियो नहीं दिखाए हैं, क्योंकि हम और भी राजमा का जो रेसिपी है वो अपलोड कर रखे हैं, तो इसीलिए हमने राजमा को इसमें उबालने का वीडियो नहीं दिखाया है। आप आई बटन पर क्लिक करके और भी राजमा का जो हमने पहले से बनाया हुआ है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा प्याज है जो लगभग फ्राई हो गया है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हम जो पेस्ट बना के रखे थे लहसुन मिर्चा जीरा मरीच का। हमने सब एक ही में ग्राइंड कर लिया था। हमने लिया था 2 गांठ लहसुन का, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, और सबको एक ही में ग्राइंड कर लिए हैं। और हल्का सा मसाला जब हमारा फ्राई हो गया है तो यहाँ पे हमने डाला 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और ये सबको डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और मसाले को कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला कुछ सेकंड के लिए पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और हम इसे प्रेशर कुकर में बना के तैयार करेंगे। तो आप बहुत ही कम समय में राजमा की सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। और पहले से हमने राजमा को बॉयल कर दिया है, तो ऑलरेडी हमारा राजमा जो है सॉफ्ट हो चुका है। हमें बस इसमें मसालों को ज़्यादातर भुनना रहता है। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है 1 मिनट हो गया भूनते हुए। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। हमने यहाँ पे 3 बड़े साइज का टमाटर लिया था, जिसको हमने ऐसे दरदरा पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार 2 बड़े चम्मच। आप नमक डालने से ये होता है कि जो हमारा टमाटर है उससे पानी जो है रिलीज होता है और हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भुनता है। तो ये देखिए टमाटर डालने के बाद हम दोनों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं और चला चला के मसाले को बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पे हमने डाला 1 चम्मच भर के गरम मसाला, आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे एवरेस्ट का 1 चम्मच गरम मसाला लिया था और इस सबको अच्छे से हम भून लेते हैं। और राजमा की सब्जी गाइस आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है, आप सबको पसंद आएगा। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा मसाला जो है बिल्कुल भुन रहा है। और आपको देख के लग भी रहा होगा कि हमारे मसाला का जो है कलर भी चेंज हो गया है, पहले कैसा था अभी देखिए। तो बिल्कुल और भी अच्छे से मसाला को भून लेंगे। टोटल हमें मसाला को भूनने में 5 मिनट लगता है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे नहीं, सिर्फ मीडियम टू फ्लेम पे भूनिएगा। इससे जो हमारा मसाला है वो जलता नहीं है और बहुत ही अच्छे से भूनता है। अगर हाई फ्लेम पे मसाले को भूनेंगे तो मसाला जो है हमारा जल जाता है और अच्छे से हमारा मसाला नहीं भूनता है। और गाइस आपको पता होगा कि कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मसाला को भूनना। हम जितना ही अच्छे से मसाला को भूनेंगे हमारा सब्जी जो है उतना ही टेस्टी बनेगा। तो आप मसाले को और भी अच्छे से भूनिए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल हमारा जो मसाला का है कलर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया, और साइड से आपको तेल भी अलग दिख रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे हमने कोई लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था, ना ही कोई कश्मीरी लाल मिर्च हम डाले हैं, फिर भी हमारे मसाला का देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपना राजमा। हम राजमा को उबाल करके रखे हुए थे और इसका पानी हमने निकाला नहीं है, इसका पानी भी इसी में है और यही पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। कोई अलग से पानी नहीं डालेंगे राजमा के सब्जी में। जो हम राजमा उबालते समय पानी डालें वो सारा पानी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम मसाला को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद सारा राजमा को इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हल्का सा पानी इसमें डाले थे राजमा का, और ये हम थोड़ा थोड़ा करके सारा राजमा इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमारा राजमा जो है गर्म था, एक ही बार डालने से आप जल सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके राजमा डाल दीजिए। और राजमा डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो हमारा राजमा है बिल्कुल मसाले में अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हम राजमा डाल दिए हैं और डालने के बाद इसको अच्छे से मसाला में भून रहे हैं। और जितना हमने राजमा में बस उतना ही पानी डाले थे कि जितना हमें ग्रेवी रखना था, ताकि हम जब राजमा का जो पानी है उसे फेंके ना, क्योंकि वो बहुत उस तरह से आप सब्जी बनाइएगा राजमा का पानी इसमें डाल के तो वो और भी टेस्टी लगता है, आपको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये देखिए हमारा जो ग्रेवी है बिल्कुल ठीक है, हम बस अपने क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पे पानी डाले थे राजमा में। तो जब भी आप राजमा उबालिए तो आपको ग्रेवी कितना ठीक रखना है, कितना पतला रखना है, उसी के हिसाब से आप पानी डालिए। और आपको ग्रेवी उसके बाद भी ज़्यादा ठीक लगता है तो थोड़ा पानी और आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कुकर का जो है लेट लगा दिया है और एक भिसी लाने तक इसे पका लेंगे।
बस एक भिस्ती लाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा राजमा पक चुका है और हमने मसाले को भी अच्छे से भून लिया है, तो इसमें कुछ चीज़ पकने के लिए नहीं रह गया। बस एक सीटी आने के बाद जो हमारा जो हमने पानी डाला था गर्म वाला, वो भी अच्छे से पक जाएगा। और ये देखिए एक सीटी आ गया है और हमारा राजमा देखिए कितना कम समय में झटपट बन के तैयार हो गया। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आपको ये रेसिपी मेरा कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं। और देखिए वाव कितना प्यारा सा कलर आया है और बिल्कुल हमारा जो तेल है ऊपर एकदम अलग हो गया है। और एक बार हम आपको चला के दिखाते हैं कि हमारा जो ग्रेवी है बिल्कुल थिक है, ये देखिए। तो हमारा बन गया ना राजमा झटपट, बिल्कुल न्यू रेसिपी। तो गाइस इस तरीके से आप ज़रूर एक बार राजमा की सब्जी बना के तैयार करिएगा। तो चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से बने रहिएगा और मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये राजमा की सब्जी कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।